चलिए अभी KNO4 की रिएक्शंस का लॉजिक तो हमने पढ़ लिया था, है ना। अब हमको कौन सी चीज देखनी है? डायरेक्ट रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। तो जैसे ये एसिडिफाइड KNO4 क्या देखा था हमने, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा कैसा होता है, दैट इज गोइंग टू बी पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद एसिडिक मीडियम में KNO4 कहाँ से कहाँ जाता है, तो बोलेंगे इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दैट चेंजेस फ्रॉम +7 to +2, ठीक है। वो मैंगनीज +2 जो रहेगा इसका सॉल्यूशन कैसा होता है, इट इज कलरलेस होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिफाइड KNO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो इस इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंगनीज जो होता है वो +7 से +2 में जाता है, और यहाँ पर जो कलर चेंज रहेगा वो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे पिंक या पर्पल से यहाँ क्या हो जाता है, सॉल्यूशन डीकलराइज हो जाता है ना। अब रिएक्शन तो सिंपल है, KNO4 के साथ एसिडिक मीडियम में हमने क्या देखा था कि जो एसिड हम लेते हैं दैट इज H2SO4, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, इट इज K2SO4 बनता है, MnSO4 बनता है, वाटर बनता है ना। और कौन सी चीज होगी, तो बोलेंगे जैसे H2S है तो इसमें जो सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर में, ठीक है। फिर SO2 जो होता है ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, SO3, और SO3 और वाटर के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, H2SO4, तो दैट इज सल्फेट। तो बोलेंगे इट इज SO2 का ऑक्सीडेशन होता है सल्फेट में, देन इट इज नाइट्राइट ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा नाइट्रेट में, है ना। फिर फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में, जो क्लास में भी समझा था हमने, देन इट इज Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन Cl2 में, Br नेगेटिव का Br2 में, I नेगेटिव का I2 में, ठीक है। मतलब F नेगेटिव को छोड़कर बाकी सारे हेलाइड आयन्स जो होते हैं वो हेलोजन में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये ऑक्सलेट है, इसमें कार्बन किसमें, +3 में, तो ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन हो जाता है CO2 में, यहाँ कार्बन +4 में आ गया ना +3 से। देन इट इज थायोसल्फेट जो होता है ये चला जाएगा इसमें, दैट इज इनटू टेट्रा थायोनेट, ठीक है। इट इज H2O3 डाई नेगेटिव, दैट चेंजेस इनटू व्हाट, S4O6 2 नेगेटिव, है ना। थायोसल्फेट चेंजेस इनटू टेट्रा थायोनेट, है ना। देन इट इज सल्फाइट जो है ये सल्फेट में चला जाएगा। उसके बाद आर्सेनाइट AsO3 3 नेगेटिव, यहाँ पे आर्सेनिक +3 में, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है AsO4 3 नेगेटिव, दैट इज आर्सेनिक +5 में, ठीक है। इन सारे रिएक्शंस में क्या बोले हमने, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, क्या इट इज H2SO4 KNO4 H2SO4, तो क्या बनता है, इट इज सल्फर बनेगा साथ में K2SO4 MnSO4 एंड वाटर। इन प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था। तो नाउ दीज रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली सिंपल टू लर्न, है ना, क्योंकि हमको पता है सल्फाइड सल्फर में जा सकता है, SO2 SO4 डाइनिगेटर में जा सकता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में ही जा सकता है, फेरस फेरिक में ही जाएगा, है ना। और इनफैक्ट ये भी नहीं, टिन का +2 जो होता है SN+2, तो ये SN+4 में भी चला जाएगा। फिर क्या है, हेलाइड चले जाते हैं हेलोजन में, ऑक्सलेट चला जाता है CO2 में, ये थायोसल्फेट चला जाएगा टेट्रा थायोनेट में, सल्फाइड सल्फेट में, आर्सेनेट आर्सेनेट में, ठीक है। और कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, तो दैट इज क्वाइट सिंपल टू कीप इन माइंड। फिर हमने क्या देखा था कि KNO4 जो होता है ये न्यूट्रल मीडियम में या वीकली अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करता है, और इन रिएक्शंस में कौन सी चीज होती है, तो हमने देखा था इन रिएक्शंस में मैंगनीज जो होता है वो +7 से कहाँ आता है, +4 में, तो यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, दैट MnO2, है ना। यहाँ साइड प्रोडक्ट MnO2 बनता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तुम बोलेंगे न्यूट्रल में या वीकली अल्कलाइन मीडियम में Br नेगेटिव Br2 में जाएगा, यहाँ I नेगेटिव IO3 नेगेटिव में जाता है, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ठीक है। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में गया था, लेकिन यहाँ I नेगेटिव किस में जा रहे हैं, दैट इज इन IO3 नेगेटिव, दैट इज अप टू +5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है ना। I नेगेटिव इट चेंजेस इन टुवर्ड दैट IO3 नेगेटिव, यहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, देन ये जो यहाँ पे है ना दैट इज व्हाट दैट थायोसल्फेट, ये जाएगा किस में, दैट इज इन टू सल्फेट। ये भी एक डिस्टिंक्शन है, यहाँ थायोसल्फेट जो था वो टेट्रा थायोनेट में गया था, यहाँ थायोसल्फेट किस में जा रहा है, दैट इज इन टू सल्फेट, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर इसके बाद ये Mn2 पॉजिटिव जो सॉल्ट्स होते हैं ये चले जाएंगे किसमें, MnO2 में। ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी ना, कि KNO4 में +7 से +4 में आ रहा है और Mn2 पॉजिटिव में +2 से +4 में जा रहा है, ठीक
ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, दैट इज कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है बेटा, है ना, तो ये सारी रिएक्शंस ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा ही था KMnO4 क्या था, दैट वाज बेयर्स रिएजेंट, है ना, तो हाइड्रोक्साइलेशन करवाता है। फिर बेंजीन में यदि साइड चेन लगी हो बेंजाइलिक कार्बन पर हाइड्रोजन है तो हमेशा बेंजोइक एसिड बनता है, है ना, तो ये चीजें अपनी ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या था, देयर रिएक्शंस ऑफ KMnO4, ठीक है।